सरकार वाले सुभाष नागरिक को कोरोना हो गया है, कोविड 19 की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई है। बहुत बुरा हुआ, भगवान करें वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन इसमें एक चीज है वो मेरे दिमाग में आई है कि अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ, इस पर देख रहा हूं सुबह से ही ट्विटर, आप देखिए ट्विटर पे हाय तौबा मची पड़ी है। बॉलीवुड, टॉलीवुड, उसके अलावा हमारा जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, जितने भी दिग्गज कलाकार हैं सब के सब प्रे किए जा रहे हैं सुबह से कि आपकी संवेदनाएं तब क्यों मर जाती हैं जब देश के किसी कोने में कोई गरीब आदमी कोविड 19 की वजह से हॉस्पिटल जाता है, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वो मर जाता है और मरने के बाद उसकी लाश को आप कूड़ेदान में डाल के फेंक देते हैं। पूरा का पूरा नानावटी हॉस्पिटल इस समय तीमारदारी में जुटा हुआ है अमिताभ बच्चन और उनके परिवार वालों के। बीएमसी लगातार बैक टू बैक अपडेट ले रही है, खुद चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के वो अपडेट ले रहे हैं, दिल्ली से स्वास्थ्य मंत्रालय अपडेट ले रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। बस इतना सा एक वो है सवाल कि भाई इतनी संवेदनाएं, इतनी जागरूकता अगर आप देश के गरीबों के लिए भी दिखा लेते तो शायद ये जो आर्थिक असमानता और आर्थिक भेदभाव की परंपरा है उस पर थोड़ा विराम लग जाता। झारखंड के एक गरीब आदिवासी की बेटी 3 दिन भात ना मिलने की वजह से मर जाती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तैमूर दलिया नहीं खा रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देख लीजिए अंतर कि एक अमिताभ बच्चन को कोरोना होता है तो पूरा का पूरा भारत एक पैर पर लंगड़े की तरह नाचने लगता है। मतलब गरीब आदमी को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, जब कोविड 19 के नाम पे वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको ऐसे भगाया जाता है जैसे वो नरक से निकल के आया हो, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, आइसोलेशन सेंटर्स की हालत खराब है, वहां आप नहीं जो है जागरूक होते हैं, लेकिन सीनियर बच्चन जो कि मंजन भी बेचते हैं तो उसका पैसा लेते हैं। कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में केवल सीनियर बच्चन नहीं है, केवल अमीर ही नहीं है, गरीब भी हैं। तो कभी गरीबों के लिए भी प्रे कर लीजिए, कभी गरीबों के लिए भी अपनी दुआएं जो है वो थोड़ी सी खिदमत में पेश कर दीजिए, अच्छा लगेगा। सुबह से एकदम रेले पड़े हैं आप, तो इसलिए ये हाय तौबा ना मचे। जिस तरह से दिल्ली के या देश के किसी कोने के एक गरीब आदमी को कोरोना हुआ है, वही सेम वही कोरोना है, कहीं उसमें कोई अंतर नहीं है। जो सुभाष नागरिक को हुआ है कोरोना वही है, कोविड 19 का वो वायरस जो है वो ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन बहुत पैसे वाले रसूख वाले हैं तो उनको अलग वाला वायरस पकड़ेगा और एक कोई हमारे आजमगढ़ गाजीपुर का कोई बुधिया होगा उसको अलग वाला वायरस पकड़ेगा, ऐसा नहीं है, वायरस वो एक ही है। तो बस इतनी सी एक रिक्वेस्ट है कि गरीब आदमी भी इसी दुनिया में है और हमारे ही समाज का एक हिस्सा है, ये आर्थिक असमानता और आर्थिक भेदभाव की परंपरा को खत्म किया जाए और अमीर गरीब सबको एक ही तराजू में तोला जाए। नमस्कार।